हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम इजी वे से मैथ्स के टॉपिक सिखाते हैं, तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट सम लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम, वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये जो हैं हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनको हम डिनोट करते हैं एन से। नेचुरल नंबर जो है उसको डिनोट किससे करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से। नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। होल नंबर जो है वो डिनोट हम करते हैं डब्ल्यू से। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में स्टूडेंट्स जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो हैं नंबर्स आते हैं। जैसे 0 से हम होल नंबर स्टार्ट करते हैं ना, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब यही हम इधर माइनस वाले नंबर भी जो हैं इंटीजर में दोनों आएंगे, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, -1, -2, -3 अप टू सो। इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। ऐसे ही स्टूडेंट्स, यहां तक आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। अब जो 9th क्लास में आप पढ़ोगे रैशनल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट नंबर होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किस कोई भी जो हमारे पास नंबर है, अगर वो इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू फॉर्म में कोई नंबर है तो वो क्या है, रैशनल नंबर। यहाँ पे पी एंड क्यू दोनों जो हैं इंटीजर्स होने चाहिए, वो याद रखना है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्लियर स्टूडेंट्स। और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, दैट इज रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट, ई रैशनल नंबर है नेक्स्ट। जो भी नंबर हम रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते जिन नंबर्स को, वो कौन से होते हैं, ई रैशनल नंबर। जैसे रूट वाले सभी नंबर जो हैं वो क्या हैं, ई रैशनल नंबर्स एक्सेट्रा। पाई जो है वो भी हमारा एक ई रैशनल नंबर है। स्टूडेंट, नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उसकी 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है। इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो क्या कह रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो क्या आंसर देंगे, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। उसको कहता कैसे लिख सकते हो आप पी ओवर क्यू फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, 0 ओवर 1, 0 ओवर 2, कुछ भी लिखो ओवर 0 के तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये हमने पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख दिया 0 को, ये हो गया हमारा फर्स्ट सम का आंसर। सेकंड सम है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स, कोई भी दो नंबर हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट जो है नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे हम इसे, उसने जितने मांगे हैं उतने ही हम लिखेंगे, उसने 6 नंबर्स कहे हैं तो हमने 6 रैशनल नंबर 3 एंड 4 के बिटवीन बताने हैं। 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमने 3.1, 3.2 कोई भी पॉइंट हम 3 के आगे लगा सकते हैं, वो 4 के पहले पहले वाले। 3.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 31 ओवर 10, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा ना नीचे, ऐसे ये सभी जो हैं नंबर्स आ गए 6 नंबर बिटवीन 3 एंड 4। नेक्स्ट
थर्ड सम है फाइंड फाइव रैशनल नंबर, ऐसे ही थ्री ओवर फाइव और फोर ओवर फाइव के बिटवीन फाइव रैशनल नंबर। तो हमने पहले इनके जो डिनोमिनेटर देखने होते हैं कि सेम है, अगर तो सेम है तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर को कर लो मल्टीप्लाई, देखो दोनों के डिनोमिनेटर फाइव ही हैं। अगर सेम ना हो तो पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। हमने सेवन्थ क्लास में हमने सीखा हुआ है डिनोमिनेटर को कैसे सेम बनाते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट नंबर है हमारे पास थ्री ओवर फाइव, इसको हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। टेन से हमने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को भी कर दिया, यहाँ पे टेन से मल्टीप्लाई टेन से डिवाइड कर दिया, सामने सामने मल्टीप्लाई करके थर्टी आ गया, नीचे फिफ्टी। तो अब थर्टी ओवर फिफ्टी के बाद वाले नंबर जो हैं वो लिखने शुरू करेंगे, थर्टी वन ओवर फिफ्टी, थर्टी टू ओवर फिफ्टी, अप टू फाइव नंबर्स तक हमने ये नंबर लिख लिए। नेक्स्ट सम है हमारे पास राइट इन डेसिमल फॉर्म 1.3 एक्सरसाइज का सम है। फर्स्ट राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज, कहता है कि ये भी बताओ कि ये जो है कौन सी काइंड है डेसिमल की। पहले तो सॉल्व करेंगे हम, राइट डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे इसको। वन ओवर इलेवन को सबसे पहले हमें डिवाइड करना आता है, जो भी न्यूमिनेटर में है उसे हम डिवाइड के अंदर लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ वन था तो वन तो ये बाहर तो बड़ा नंबर है, तो अंदर नंबर बड़ा बनाने के लिए हमने पहले पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के तो एक ही जीरो मिलनी थी, टेन बना, फिर भी छोटा रह गया, ये तो इलेवन से है ना, तो एक और जीरो हमने ली उससे। जब एक और जीरो मांगी उससे तो उसने ऐसे थोड़ा डिवाइड, सबको आती है अगर पॉइंट लगाएं तो एक ही डिजिट मिलता है हमें, दूसरा जब भी लेना हो तो एक जीरो हमें आंसर में लगानी पड़ेगी, तो आंसर में जीरो लगा ली एक, ठीक है। तो यहाँ 100 बन गया, अब 11 के टेबल में 9 पे कितना आ गया, यहाँ पे 99, तो 1 जो है नीचे रिमाइंडर बच रहा है। अब क्वेश्चन भी 1 से स्टार्ट हुआ था और नीचे भी बचा हमारे पास 1, तो इट मींस ये जो नंबर है दोबारा से रिपीट होने वाला है। तो जब भी ऐसे नंबर आए तो हमने ऊपर क्या डाल देनी है, बार। आंसर पे देखो 09 के ऊपर बार डाल दी, क्योंकि बार बार 09 09 ही आने वाला है ना हमारे पास। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग मींस कि जो हमारे पास अगर डिवाइड करने पे लास्ट पे कुछ ना कुछ बचे, ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन सेम आंसर आए तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट हो रहा है ना बार बार, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर तो नीचे डिवाइड करते समय क्रॉस आ जाए तो फिर वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर क्रॉस नहीं आ रहा, बार बार कुछ बच रहा है, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे नेक्स्ट सम है हमारे पास 4.1 over 8, इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कितना आया, 33 over 8, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया डिवाइड करके 4.125, और नीचे आ गया क्रॉस। अब क्रॉस आ गया तो ये आंसर हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट सिंप्लीफाई वाला सम करने के लिए सबसे पहले हमने एट्थ क्लास में आपको फॉर्मूले लर्न करवाए थे, वो दोबारा से एक बार देखो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ऐसे उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि ए प्लस बी ए माइनस बी हमें इधर दिया हो, तो उसका आंसर हमने क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों तरह से फॉर्मूले हमने लर्न करने हैं। नेक्स्ट सम है हमारे पास सिंप्लीफाई, ब्रैकेट 5 plus root 5 इंटू ब्रैकेट 5 minus root 5। अब ये सेम नंबर हैं, लेकिन साइन जो है वो चेंज है, इधर प्लस का है इधर माइनस का, तो इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लग रही है ना यहाँ पे, तो आंसर में हम ए कौन है 5
और बी कौन है रूट फाइव। ए के प्लेस पे फाइव लिखेंगे, बी के प्लेस पे रूट फाइव। दोनों का स्केयर किया, इधर फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई 25, और दूसरी तरफ स्केयर जो है रूट से कट गया, यहाँ पे आ गया फाइव। 25 से फाइव सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास आ गया 20 आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट सम है सेम, वैसे ही है, सिर्फ नंबर चेंज है। यहाँ पे रूट इलेवन है, यहाँ रूट सेवन है, यहाँ रूट इलेवन प्लस रूट सेवन, सेम वही आइडेंटिटी लगाएंगे। और उनको जब रूट को स्केयर के साथ काट दिया इलेवन, इधर भी स्केयर कट गया और यहाँ आ गया इलेवन माइनस सेवन फोर। नेक्स्ट भी सेम है यही सम, थ्री प्लस रूट थ्री, थ्री माइनस रूट थ्री, सेम आइडेंटिटी लगा के थ्री का स्केयर नाइन, रूट ने रूट के साथ कट जाना है, थ्री आ गया, नाइन में से थ्री माइनस हो गए सिक्स आंसर। नेक्स्ट सम जो है, नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज होनी है अलग से। देखो रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्केयर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्केयर, ये आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। ए कौन है रूट फाइव, बी कौन है रूट टू, तो यहाँ पे ए है उसके प्लेस पे रूट फाइव लिखो, यहाँ पे बी है उसके प्लेस पे रूट टू लिख के यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने एट्थ क्लास में भी किया हुआ है, सबको अच्छे से आता है, लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर्स हैं इसलिए उसको ध्यान से करना है। स्केयर को स्केयर रूट से कटना है, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ फाइव और इधर टू जो बचा उसके दोनों को ऐड कर दिया, फाइव को टू से प्लस किया, फाइव और टू सेवन, और टू रूट टेन जो है वो ऐसे ही हम लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इरेशनल नंबर जो है रूट वाला, उसने रूट सेम नंबर जो रूट वाला होगा उसी के साथ एडिशन होनी है, दूसरे नंबर से वो ऐड नहीं हो सकता। अकेले जो नंबर हैं उन्होंने सिंपल नंबर को उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं। जो इरेशनल नंबर है टू इंटू रूट टेन वो वैसे ही साथ में लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट सम है हमारे पास, ब्रैकेट थ्री प्लस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट टू। यहाँ पे थ्री पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड ब्रैकेट, ये हमने सीखा हुआ है फॉर्मूला एट में। जो फर्स्ट नंबर है उसको सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है पूरी के साथ, जो सेकंड नंबर है उसको सेकंड ब्रैकेट। तो क्या हमने किया है उसको कैसे करना है, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट थ्री, फर्स्ट नंबर थ्री है, सेकंड ब्रैकेट टू प्लस रूट टू है उसके साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के साथ जो साइन प्लस का है उसको साथ में लगाना है, ये ध्यान रखना है, प्लस रूट थ्री और सेकंड ब्रैकेट टू प्लस रूट टू। अब यहाँ थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू जा सिक्स, नेक्स्ट प्लस का साइन थ्री रूट टू। अब ये जो थ्री है ये रूट के बिना है, तो ये रूट वाले नंबर है टू, इसके साथ अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर ही रहेगा। नेक्स्ट रूट थ्री जो है उसने जब टू से मल्टीप्लाई किया तो सेम वही, यहाँ टू के साथ रूट नहीं है इसलिए ये बाहर आ जाएगा, और रूट थ्री जो है ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट रूट थ्री को जब रूट थ्री टू से मल्टीप्लाई किया, अब दोनों रूट वाले नंबर है ना, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टू थ्री जा सिक्स, तो रूट सिक्स। तो यहाँ पे यही हमारा आंसर होगा, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये सिक्स नंबर है, कोई रूट वाला नंबर नहीं, ऐसा कोई और नंबर नहीं। यहाँ पे रूट टू है, कोई और रूट टू वाला नंबर नहीं है। यहाँ पे रूट थ्री है और कोई रूट थ्री वाला नंबर नहीं है। रूट सिक्स अकेला है और भी कोई रूट सिक्स वाला नंबर नहीं है। तो सभी अलग अलग नंबर्स हैं, इनको हम ऐसे ही आंसर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये सम समझ आए होंगे। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।